व्हाट्सअप गाइस, हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था चेकआउट फंक्शनलिटी को, उसे देखा था कैसे हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपनी नेक्स्ट जेस ई कॉमर्स वेब के अंदर। आज की वीडियो में बात करेंगे हम सर्च फंक्शनलिटी की, उसे देखेंगे कैसे हम पेमेंट को वेरीफाई करते हैं। जो हमने कल पेमेंट किए थे अभी हमें ये नहीं पता वो पेमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ, तो उसको हमें वेरीफाई करना है, तभी हमें कार्ट में आइटम डिलीट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अभी देखोगे तो मेरे पास लॉग्स हैं जो हमने पेमेंट किए थे, उसके लॉग्स जिसमें क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मिलता है आपको सेशन आईडी, ये कब क्रिएट होता है, जब आप चेकआउट सेशन क्रिएट करते हो, ठीक है। अब इसी बात मिलेगा आपको स्टेटस कि ये हुआ कि नहीं हुआ, तो आप सर्च करते हो इसमें बोलता है कंप्लीट। अब ये होता है कि ये कंप्लीट हो गया, मतलब कि उसने पेड कर दिया है, तो हमें इसकी वजह से चेक करना है, इसकी मदद से कि ये कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके हिसाब से क्या करना है, जो आइटम कार्ड के अंदर है यहाँ पर इनको हमें डिलीट करना है। अगर नहीं हुआ, सीधी बात है उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, या फिर ऐसा हो सकता है सक्सेस पे उसने मैनुअली हिट किया है, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। अब चलते हैं, पर सबसे पहले आते हैं ऐप के अंदर, ऐप के अंदर एपीआई के अंदर, इसी के साथ चेकआउट के अंदर। सबसे पहले हमें चेक करना है कि बंदे ने जो पेमेंट किया है वो ओरिजिनली किया है या फिर नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चेकआउट इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, विच इज ये वाला, इसके अंदर क्या मिलता है हमें एक आईडी मिलता है विच इज सेशन आईडी, तो मुझे करना उसको सेव कराना पड़ेगा, तभी मैं वेरीफाई कर पाऊंगा कि इस बंदे ने पेमेंट किया या नहीं किया। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसको मैं नीचे ले लूंगा और इसी का क्या करूंगा एक फील्ड एक्स्ट्रा क्रिएट कर लूंगा इसके अंदर। सो इसके अंदर लूंगा मैं सेशन आईडी, सेशन आईडी इस तरीके से, जिसके अंदर क्या करता हूं मैं जो हमारा चेकआउट है इसके अंदर मिलेगा डॉट आईडी। अगर आपको दिखाऊं कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट ये कैट करता है, तो मेरे पास एक फाइल है टेस्ट डॉट जेएस नाम की, बट उसके अंदर भी है और दिखाता हूँ आपको। सो मैंने अभी क्रिएट किया था थोड़ी देर पहले, विच इज दैट, इसके अंदर इतना सारा डेटा मिलता है, तो मुझे ये चाहिए ये वाला आईडी चाहिए, तो उसके लिए करना पड़ेगा चेकआउट सेशन डॉट आईडी करना पड़ेगा। तो सिंपल लिखना आपको आईडी, तो मिलेगा आईडी। अब इसको मुझे करना है डेटाबेस सेव भी करना है, कॉपी करते हैं इसको, क्लोज करते हैं और चलते हैं मॉडल्स के पास, विच इज लाइब्रेरी मॉडल्स, इसके अंदर मिलेगा आपको चेकआउट मॉडल डॉट टी एस। इसके अंदर क्या करना है मुझे, इसको डालना है विच इज दैट और टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, बस ये तो हो गया। अब इसका नाम चेंज करना है, तो नाम तो चेंज करना पड़ेगा नहीं तो ये एरर दे देगा, तो बोलते हैं चेकआउट मॉडल बोल लो या फिर मोड बोल लो इस तरीके से। सेव करते हैं इसको एंड टेस्ट अगेन, ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो यहाँ देखोगे तो एक एरर आ रहा है चेकआउट सेशन आईडी का, मतलब मुझे आईडी नहीं मिल रहा है तो टोकन जनरेट नहीं कर पाएगा, तो मुझे आना पड़ेगा इसको लेते हैं कंट्रोल एक्स किया यहाँ से। देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, पहले तो इस आइटम क्रिएट करना है, यहाँ पर मुझे सेशन आईडी नहीं मिलेगा, ओके कूल। और मैं यहाँ से क्या करूँगा इसको जो हमारा मॉडल था इसके अंदर बोल दूंगा कि भाई ये ना जो की है आपकी सेशन आईडी, ये आपकी डिफॉल्ट नल हो सकती है, इन केस डिफॉल्ट नल होगी रिक्वायर्ड नहीं होगी, बट डिफॉल्ट इज नल, बस ये हो गया खत्म। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें टोकन मिल जाएगा इसकी मदद से चेकआउट डेटाबेस से। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके अंदर अपडेट करना है किसके अंदर, चेकआउट मॉडल के अंदर। और सो मैंने इसको दोबारा कॉपी करूंगा यहाँ पर और थोड़ा नीचे आऊंगा यहाँ पर। सो मैंने ये अपडेट करना है चेकआउट डेटा अपडेट, इसमें क्या हुआ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, ये हो गया अपना काम खत्म। इसके अंदर डालना है मुझे आईडी, तो आईडी क्या हुआ जो हमारा चेकआउट डेटा था विच इज दैट, इसका आईडी और इसके अंदर पास क्या करना है सेशन आईडी विच इज दैट, कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। समझ रहे हो ना, किया क्या मैंने यहाँ पर, क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, उसका टोकन जनरेट किया, देन उसके बाद चेकआउट सेशन क्रिएट किया, उसके बाद मुझे क्या किया यहाँ पर एक आईडी ले लिया, अपडेट कर दिया उसको, सिंपल सी बात है। सो इसको लिया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बस ये काम खत्म और आपका ये काम हो चुका है। कॉपी करते हैं इसको और इसको चाहो तो रिमूव कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर चाहो तो डॉलर सेट लगा लो, तो ये बन गया हमारा अपडेट क्वेरी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको रिमूव कर लेते हैं बिकॉज सही करनी पड़ेगी हमें और अपडेट हो जाएगा। अब चेक करते हैं क्या डेटा सेव होता है कि नहीं होता है, और उससे पहले क्या करेंगे डेटाबेस के अंदर जितने भी अनवांटेड मॉडल्स हैं उनको रिमूव कर देंगे, जैसे कि हमने दो तीन क्रिएट कर लिए हैं, इसको रिमूव करते हैं। सो कनेक्ट हो चुका हूँ मैं, नेक्स्ट जेएस ई कॉमर्स के अंदर आऊंगा मैं, इसके अंदर मिलेगा चेकआउट डिटेल्स, चेकआउट मॉडल और इनको किया मैंने ड्रॉप। सो मुझे लिखना पड़ेगा चेकआउट डिटेल इस तरीके से, सेम फॉर चेकआउट मॉडल। सो मैंने किया इसको ड्रॉप विच इज चेकआउट मॉडल्स,
बस अब हो गया काम खत्म। अब चलते हैं एक बार पेमेंट की तरफ। सो मैं आता हूँ यहाँ पर, चेकआउट किया मैंने। सो मेरा चेकआउट कितने का बनता है? मेरा बनता है 1300 रुपये का। सो मैंने किया इसमें एडमिन, ये डाल दिया और डाल दिया राधा नगर, राधा सिटी, पिन कोड डाल देते 1 2 3 4 5 6 जो कि एग्जिस्ट नहीं है। लोडिंग कर दिया मैंने, अब आते इसके अंदर एंड सी क्या मिलता है मेरे को। देखो स्ट्रैप का मेरे को पेमेंट चेकआउट मिल चुका है। यहाँ पर डालता हूँ मैं ईमेल, डाल दिया 1 2 3 4 नॉट 1 2 3 4 4 2 4 2 जो कि इसका डिफॉल्ट है, टेस्टिंग कार्ड बोल लो उसको। और 1 2 3 4 1 2 3 नेम डाल दिया कृष्णा और कंट्री इंडिया। पे करना है इसको सिंपल सा, तो मैंने पे कर दिया और ये मेरा हो जाना चाहिए। अगर हम चेक करें डेटाबेस के अंदर, सो कहाँ है भाई डेटाबेस? सो आते हैं इसके अंदर, इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश किया हमने, रिफ्रेश हो चुका है। इसके अंदर आएंगे ई कॉमर्स नेक्सस के अंदर और यहाँ चेक करेंगे तो चेकआउट मोड नाम से आ चुका है। इसके अंदर मिलेगा एक डॉक्यूमेंट, इसको किया हमने व्यू डॉक्यूमेंट। इसके अंदर क्या मिल रहा है हमें? प्रोडक्ट मिल रहा है कि कितना प्रोडक्ट था, कितनी क्वांटिटी थी, तो ये काम हो चुका है। एंड फाइनल प्राइस कितना था? 1300। अच्छा ये नंबर था, इसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, आई डोंट नो, पता नहीं, देखते हैं इसको अभी। और इस कंप्लीट क्या है? फॉल्स है। ओके सेशन आईडी हो गया और क्रिएटेड अपडेटेड, तो ओके ये तो कूल चल रहा है। अगर यहाँ पे चेक करें क्या हमारा जो 5+ था, ओके स्ट्रिंग था, कोई नहीं। ओके आते हैं दोबारा। सो हम सक्सेस पे आ चुके हैं। मुझे है ना सबसे पहले स्टॉक को वेरीफाई करना है, तो उसके लिए करूंगा आते वेरीफाई चेकआउट क्रिएट करते हैं। सो चेकआउट के अंदर रहूंगा, एक किया मैंने वेरीफाई चेकआउट, जो किस लिए हुआ? इस टोकन को वेरीफाई करेगा, ठीक है। सो मैंने किया वेरीफाई चेकआउट, इसके अंदर फाइल होगी विच इज राउट डॉट ts। ओके अब इसके अंदर क्या क्या चाहिए? पहली बात यूजर लॉगिन होना चाहिए, समथिंग होना भी चाहिए और देख लेंगे अभी, इसको लेते हैं। सो इसको मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले बंदा लॉगिन होना चाहिए। सो लॉगिन हो चुका है यहाँ तक। इसके बाद चेक किया फाइंड में, तो ये जरूरत नहीं है तुम्हें, इसको तुम कर दो पूरा रिमूव। सो यहाँ तक करते हैं इसको रिमूव, तो ये हो गया रिमूव यहाँ से। और अभी ये है नहीं तो इसको अभी हम कमेंट कर देंगे, बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, बट अभी नहीं पड़ रही, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसको लिखते हैं क्या मैसेज विच इज पेमेंट सक्सेस, ठीक है। यहाँ पर आते हैं और ये बोल रहा है भाई एक एरर दे रहा है। सो सेव करूंगा एक बार, मैं क्लोज करूंगा, दोबारा आऊंगा इस फाइल में और काम करना चालू कर लूंगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना, सबसे पहले मुझे कुछ डेटा गेट करना है, एक पोस्ट रिक्वेस्ट है, मुझे क्या गेट करना है? एज अ टोकन गेट करना है, तो मैं लिया कॉन्स टोकन। कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका रिक्वेस्ट और जेसन से लेते इसको। सो ये हो गया जेसन, इसको अवेट करेंगे बिकॉज कुछ टाइम लेगा डेटा निकालने में। और एक किस टाइप का आएगा? एक स्ट्रिंग टाइप का आएगा, ये आएगा ऑब्जेक्ट आएगा वैसे तो आने को, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें से निकाल दो क्या टोकन, वो भी स्ट्रिंग टाइप का। बस ये हो गया अपना काम खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, इसको मुझे वेरीफाई करना है, तो मैंने एक हेल्पर क्रिएट किया था विच इज वेरीफाई पेमेंट टोकन नाम से। अगर हम चलें इसके अंदर, सो ये मिलेगा हमें वेरीफाई पेमेंट टोकन, कॉपी करते हैं इसको और इसको हमने लेना है कॉस्ट समथिंग फ्रॉम दैट थिंग विच इज वेरीफाई पेमेंट टोकन, ये आ जाएगा। इसके अंदर पास करना है हमें टोकन जो हमारा ये था कुछ, ये कर दिया हमने पास। अगर हम चेक करें कि इसके अंदर यही था क्या? हाँ यही था जिसमें टोकन पास करना था हमें। इसके अंदर से मिलेगा क्या? इसमें मिलेगा हमें चेकआउट आईडी। अगर नहीं होता है तो उस केस में क्या करेगा? ये एरर थ्रो कर देगा, उस एरर को हम यहाँ पर कैच कर ही रहे हैं। कहाँ पर कैच कर रहे हैं? यहाँ पर, तो हमें इसकी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आते हैं, इसको करते हैं अवेट। अब ये एरर क्यों दे रहा है? एरर बोल रहा है कि भाई कैन नॉट फाइंड नेम वेरीफाइड टोकन, तो ये मिल चुका है अब इसको, ठीक है। अब इसके बाद हमें मॉडल में चेक करना है, किस वाले मॉडल में? चेकआउट मॉडल में, कि ये एग्जिस्ट है भी या फिर नहीं। सपोज चेक एग्जिस्ट अवेट ऑफ डॉट फाइंड बाय आईडी, एक आईडी है MongoDB का, ये एक MongoDB का आईडी है, तो इसकी दिक्कत नहीं है, इसको रखते हैं अभी। और यहाँ पर चेक करते हैं इफ, अगर मान लो डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं हुआ तब क्या करेंगे उस केस में? हम बोल देंगे थ्रो कि भाई अनेबल टू वेरीफाई पेमेंट, अनेबल टू वेरीफाई पेमेंट। इसके बाद क्या करना है? इसको चार देना, मतलब बैड रिक्वेस्ट। चाहो तो पैकेज यूज करते हो विच इज HTTP स्टेटस, तो हमने किया हुआ वैसे भी इसका हर जगह, तो इसी का यूज कर लेते हैं विच इज बैड रिक्वेस्ट। ओके ये हो चुका है। इसके बाद नीचे आते हैं नॉट ऑफ, अगर नहीं होता तब, ठीक है। अब मान लो ये हो चुका है, मतलब हमें मिल रहा है। अब इसके अंदर पास क्या करना है हमें? इसके अंदर पास करना है, चेक करना है, सॉरी क्या चेक करना है हमें?
कि जो पेमेंट हुआ वो एक्चुअल हुआ या फिर नहीं हुआ, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और स्ट्रैप का हमने इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है तो इसी को लेंगे स्ट्रैप के अंदर से। सो हमने बोला कॉस चेकआउट सेशन डिटेल्स, विच इज अवेट करेंगे बिकॉज कुछ टाइम लेगा, इसके अंदर मिलेगा चेकआउट, इसके अंदर मिलेगा सेशन, वही सेम मेथड है, बस इसके अंदर क्रिएट नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा रिट्रीव होगा, क्या होगा रिट्रीव। सो आपको मिल जाएगा रिट्रीव मेथड, इसके अंदर पास का नाम है क्या चेकआउट सेशन आईडी। अब वो कहां से आएगा, जो हमने सेव कराया था किसमें, चेक एग्जिस्ट के अंदर डॉट सेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर विच इज नहीं, यहाँ पर आते हैं एंड सी क्या मिलता है हमें। सो चला गया लोडिंग में। सो यहाँ पर आते हैं मॉडल्स के अंदर, देखो ये मिल रहा है सेशन आईडी, इसको करते हैं कॉपी, इसको करते हैं यहाँ पर पेस्ट, तो ये हो गया हमारा सेशन आईडी खत्म। अगर इसका स्टेटस अगर पेड होता है, अच्छा इससे दिखाता हूँ कैसा होता है। सो मैंने कर रखा है यहाँ पर, सो ये कुछ इस तरीके से आता है जिसके अंदर सेशन डॉट पेमेंट स्टेटस जो होता है पेड होता है तब, कॉपी करते हैं इसको और चेक करते हैं लॉक्स के अंदर। सो मैंने इसको लिया, इसको मिलते हैं लॉक्स के अंदर चलते हैं, विच इज होम के अंदर आना दोबारा आपको, और एपीआई की फॉर डेवलपर्स पे आना है, यहाँ पर लॉक्स मिल जाएगा और लॉक्स में चेक करते हैं कि इसमें क्या आता है। तो मैं लिखा पेमेंट स्टेटस, ओके इसमें नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बट वहाँ पे दिखाता है कि पेड हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें दिखाता है वो, ठीक है। और वैसे भी ये भी दिखाता है जब स्टेटस देखते हो, स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट, जब आप स्टेटस चेक करते हो तो आपको दिखाता है रिक्वायर्ड एक्शन, मतलब कि जब नहीं हुआ वो तब, और दिखाता है कंप्लीट। सो मुझे कुछ इस तक देखना है, सो मुझे यह करना है चेक करना है सेशन डॉट पेमेंट शेयर, अगर पेड होता है तभी क्या करो इसको लॉग इन करो, मतलब उसको पेड करो। तो हम क्या करेंगे इसको कॉपी करेंगे और दोबारा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या करना है चेकआउट सेशन ये वाली, अगर पेड होता है तब काम करो, अगर नॉट ऑफ पेड होता है मान लो, ओके सो यहाँ देखोगे तो बोल रहा है चेकआउट सेशन डॉट पेम, ओके तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है विच इज सेशन डॉट पेमेंट स्टेटस, अगर पेड होता है तभी क्या करो यूजर को आगे बढ़ाओ, मतलब पेड करो। तो मैं इसको कॉपी कर लेंगे इस लाइन को। अब मुझे करना है यहाँ पर बोलना है कि भाई अगर चेकआउट सेशन डिटेल्स डॉट पेमेंट स्टेटस अगर ट्रू होता है यानी पेड होता है तभी क्या करो उसको बताओ कि तुम पेड हो चुके हो। तो उसके लिए करेंगे यहाँ पर लॉजिक लिखेंगे अपना, एल्स में क्या करेंगे हम बोल देंगे थ्रो एरर कि भाई तुम्हारा ये काम नहीं हुआ है। सो हम क्या बोलते हैं यहाँ पर विच इज जनरेट पेमेंट ओवर, सो हम क्या बोलेंगे थ्रो न्यू एपीआई एरर, यहाँ पर कॉपी करते हैं इसको पेस्ट किया, यहाँ पर क्या होगा पेमेंट डॉट वेरीफाइड, बस इतना हो गया और ये क्या चार्ज हो जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा रिटर्न ये एरर में। अब यहाँ पर आते हैं मेन चीज, यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले हमें करना है कार्ट के अंदर जो आइटम्स है उनको डिलीट करना है बिकॉज पेमेंट हो चुका है। सो हम क्या करेंगे जो कार्ट मॉडल है इसको लाएंगे और उससे पहले जो हमारा चेक एग्जिस्ट मॉडल है ये वाला, इसके अंदर क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट नाम से एरे मिलेगा। सो हमें आना पड़ेगा जितने प्रोडक्ट है उनकी हमें आईडी फेच करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर लेते हैं लॉजिक, अब लॉजिक क्या हुआ देखो अवेट करते हैं किसका कार्ट मॉडल का, अभी कार्ट मॉडल कहाँ से आएगा यहाँ से आएगा तो इसको करते कॉपी। अब इसके अंदर एक फील्ड है विच इज परचेज, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं करता हूँ पहले तो अपडेट मेन्यू, जिससे क्या हुआ जितने भी आइटम्स होंगे नंबर ऑफ आइटम्स उनको हम अपडेट करते हैं एक साथ, समझ बोला अपडेट मेन्यू। सो इसको करते हैं थोड़ा सा देखते हैं इसको, ये रहा मेथड अपडेट मेन्यू, इसके चलते हैं कार्ट मॉडल के अंदर आपको मिलेगा इस परचेज नाम से एक फील्ड, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर तो मिलता है इस परचेज, मुझे करना है इसको ट्रू करना है बस कैसे भी कर दे, जिससे मालूम पड़ेगा कि आइटम परचेज कर लिया, मतलब हम डिलीट तो कर रहे हैं बट कैसे कर रहे हैं सॉफ्ट डिलीट, मतलब हमें तो मालूम पड़ना चाहिए कार्ट के तो उसने क्या क्या आइटम ऐड किया था। तो मैंने कहा अपडेट मेन्यू, इसके अंदर पास करना पहले हमें फिल्टर, अगर हम चेक करें इसके होवर पर तो इसके अंदर क्या क्या इसमें सेशन मिलते हैं कि भाई क्या करना चाहिए आपको, तो वो चाहिए सबसे मिलता है आपको फिल्टर कि आपको फिल्टर क्या लगाना है, उसके बाद लगाना आपको क्या अपडेट क्वेरी। सो हम बोलेंगे फिल्टर में देखो भाई जो यूजर है वो तो यूजर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कौन सा यूजर जो हमें लॉगिन कर रखा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद क्या होगा उसके बाद होना चाहिए सिंपल सा कि जो तुम्हारा आइटम्स है यानी कि प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट ये वाला, ये अगर बराबर होता है किसके इसको लेंगे तो यूजर क्या चाहिए यूजर के अकॉर्डिंग चाहिए। सेकेंड वन इज डॉलर यानी कि इंक्लूड, किसके इंक्लूड होना चाहिए जो हमारा प्रोडक्ट है, अभी फील्ड कहाँ से प्रोडक्ट देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोडक्ट्स कहाँ मिलेगा चेकआउट मॉडल के अंदर, तो यहाँ पर आते हैं इसको लिया, इसके अंदर करते हैं मैप, सो हमने किया मैप
मिलेगा सी, सी के अंदर मिलेगा हमें क्या, सी डॉट प्रोडक्ट आईडी, इसके बराबर होता है, इसको हम कर देंगे डिलीट। सो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी एंड काम खत्म। अब ये एरर दे रहा है बिकॉज ऑफ हमने ये नहीं लगाया, इसके अंदर से निकालना हमें इसको, तब ये अपडेट हुआ। सो ये हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सेकंड फील्ड देना हमें क्या कि तुम अपडेट करना क्या चाहते हो। तो हम चाहते हैं भाई जो हमारा ये है इस परचेज उसको क्या करना हमें ट्रू करना है बस, जिससे क्या होगा हमारा काम खत्म होगा। कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ट्रू, बस इतना काम। और चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो डॉलर सेट, एक ऑटोमेटिक ऑपरेटर इस तरीके से, और इसको पेस्ट किया। और कॉन्स डेटा इक्वल्स टू रिटर्न, या फिर लॉग कर लेते हैं, लॉग कंसोल डॉट लॉग डेटा, ये हो जाएगा। इसी का क्या करना तुम्हें, जो हमारा चेकआउट मॉडल था उसके अंदर मिलेगा हमें क्या, इस पेमेंट डन या फिर कोई फील्ड थी जिसकी वजह से हम इसको कर रहे थे इस कंप्लीट, इसको भी ट्रू करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, वो तो बहुत सिंपल है, इसको कॉपी करते हैं, कौन से वाले को, इसको कॉपी किया हमने और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर क्या करेंगे, हम चेक करेंगे चेकआउट होल्डर फाइंड बाई आईडी, जिसमें हम चेक कर रहे हैं क्या चेक एग्जिस्ट डॉट आईडी, उसको क्या करना है हमें इस कंप्लीट को ट्रू करना है, बस ये हो जाएगा यहाँ से काम खत्म। इस कंप्लीट इक्वल्स टू ट्रू, और क्या बोल देंगे, एक रेस्पॉन्स थ्रू कर देंगे, रेस्पॉन्स भेज देंगे विच इज कि आपका पेमेंट हो चुका है, सो पेमेंट डन, बस ये काम हो चुका है। अब इसके लिए करते हैं क्वेरी क्रिएट करते हैं और इसको देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। उससे पहले एक एरर मिल रहा है मेरे को, अभी एरर का मिल रहा है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है कि भाई टैप तो बता दो, टैप क्या एनी, तो मुझे नहीं पता टैप क्या होगा, बट होगा जो भी, सो मैं डाल दिया एनी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक काम कर लेगा यहाँ से, इसको करते हैं क्लोज। अब आते हैं रिडक्स पे, सो प्रोवाइडर रिडक्स, रिडक्स के अंदर मिलेगा हमें क्वेरी, इसके अंदर क्रिएट करेंगे या नहीं, यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे, यहीं पर चेक कर लेंगे विच इज चेक पेमेंट। सो चेक पेमेंट कि मैंने इसको यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ये हो गया हमारा क्वेरी। इसके अंदर क्या आता हमारा वेरीफाई, सो बी आर वाई, ये हो गया वेरीफाई। इसके अंदर क्या करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट, जिसके अंदर हमें टोकन भेजना है एज अ ऑब्जेक्ट, ये भेजिए हमारा टोकन, और ये पेमेंट होगा। इसके अंदर बोलते हैं यूज चेक पेमेंट म्यूटेशन, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले याद करना हमें जो हमारा ऐप था, ऐप के अंदर पेमेंट पेजेस थे, यहाँ पर कैंसिल सक्सेस, इनमें हमें कॉल कराना है। सो सिंपल लेंगे कौन सा पेमेंट चेकआउट हैंडलर, एक एजिंग फंक्शन होगा बस, उसमें एपीआई कॉल करेंगे हम, और साथ में याद करेंगे ट्रैकेज लगा देंगे अगर कोई एरर आता है, और एक कंपोनेंट क्या होगा, एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट होगा, तो यूज क्लाइंट हो गया हमारा। और साथ में याद करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिस्ट्रक्चर करेंगे, किसको करेंगे, यूज इस वाले हुक को, जिसके अंदर मिलेगा एक फंक्शन और एक मिलेगा क्या रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको लेते हैं, और ये क्या होगा, चेकआउट पेमेंट नहीं होगा, ये होगा आपका, अच्छा दो हो गया क्या, ये वाला है हमारा, ओके। इसके अंदर आते हैं, हमने बोला सक्सेस पेज, एक मिलेगा चेक पेमेंट रेस्पॉन्स, कॉपी करते हैं इसको, यहां पर आते हैं कॉस समथिंग फ्रॉम, यहां से इसके पास करने क्या हमें क्रॉप्स डॉट सर्च पैरम्स, अगर हम चेक करें इसके अंदर मिलता क्या है, तो बोले वही मिल रहा, सर्च पैरम्स डॉट टोकन, और ये कब होगा, इफ नॉट ऑफ दैट थिंग, अगर ये नहीं होता है तो क्या करो, उसको रिटर्न कर दो, मतलब उसको बोल दो भाई रिटर्न नल। ठीक है, बस ये हो जाएगा, यहां से मिलेगा डेटा, एक मिलेगा एरर, और इसको अवेट कर लेंगे बिकॉज ये एपी कॉल करेगा अपने आप में, सो ये हो जाएगा। और बोल देंगे क्या, अगर ये होता है मतलब रेस्पॉन्स लोडिंग होता है, तो हम क्या बोलेंगे लोडिंग, एल्स में डन, बस इतना सा काम था हमारा। इसके अंदर क्या करना है, डेटा इफ एरर, अगर एरर आता है किसी भी तरीके का, तो एरर आता है तो क्या बोलूं, सो टोज डॉट एरर विच इज एरर डॉट डेटा डॉट मैसेज, या फिर एरर, ठीक है, और रिटर्न कर दो सिंपल सा। इसी साथ क्या करना तुम्हें, जो हमारा ये था विच इज डेटा, तो क्या करो टोज डॉट सक्सेस,
डेटा डॉट मैसेज, बस ये काम हो चुका है। इसको कॉल करना कहाँ पर, चेकआउट पे, यानी कि यूज इफेक्ट पे। तो यूज इफेक्ट, सो चेक करते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलते हैं इस पे और एक काम करेंगे, सेम कॉपी करेंगे, बिकॉज यही सेम काम आने वाला है इसमें कैंसिल में भी। सो हम क्या करेंगे, कॉपीज करेंगे थोड़ा बहुत और कैंसिल में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप यूज करते हो गेट रिक्वेस्ट का, बिकॉज गेट रिक्वेस्ट करते हो, बट इसमें क्या है, टोकन है इस तरीके से, एंड लेट्स चेक क्या आता है हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा राउट था, विच इज राउट डॉट टी एस, जिसमें वेरीफाई करते हैं, हम चेक करते हैं कि रेस्पॉन्स क्या मिल रहा था, हमें कहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पर। इसको करते हैं लॉग। सो हमने किया कंसोल डॉट लॉग, क्या चेक करना है, स्टेटस चेक करना है बस। तो हम इसको करते हैं एम्प्टी, इसको लेते हैं, जिसमें करते हैं इसको लॉग, कहाँ से आया, कंसोल डॉट लॉग, ये पेस्ट किया। सो अब चेक करते हैं क्या एक काम करता है कि नहीं करता, उसके लिए करूंगा मैं रिफ्रेश करूंगा बस, रिफ्रेश से ही मालूम पड़ जाएगा कि काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हिट किया मैंने एंटर और सी क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को। ओके, मुझे ऐसा रेस्पॉन्स मिल रहा है, अनेबल टू वेरीफाई पेमेंट। अभी कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें चेकआउट आईडी से, यानी कि यहाँ पर इसको आईडी नहीं मिल रही है, तो आगे तो जब बढ़ेगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले बोलना है कि भाई ये पहली बार तो चेकआउट आईडी डिफॉल्ट है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, तो अब काम करेगा, बिकॉज हमने ये इसको डिफॉल्ट निकाल दिया है। अमाउंट होगा, अभी अमाउंट हो चुका है, लोडिंग स्टार्ट हुआ, पेमेंट डन हुआ, एंड अब चेक करता हूँ मैं कार्ट के अंदर। देखो कार्ट के अंदर जब दो आइटम थे जो हम चेकआउट किए थे, अगर मैं कार्ट पर क्लिक करता हूँ सी, मेरा कार्ट एम्प्टी हो चुका है, और मैं आता हूँ इसके अंदर, विच इज रिफ्रेश करूंगा एक बार, वी डॉक्यूमेंट सी, मेरा ट्रू हो चुका है, मतलब ये मेरा काम कर रहा है अच्छी तरीके से, बस मुझे यही चाहिए था जो मेरा काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं किस पर, इसको तुम डिजाइन कर लेना अपने हिसाब से, सक्सेस को और कैंसिल को, वो तुम्हारा काम करेगा अपने अकॉर्डिंग। अब आते हैं मेन चीज पे, जो है हमारा सर्च फंक्शनलिटी। देखो जब भी मैं इस पर एड कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक फॉर्म रिक्वेस्ट जा रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने एंटर किया इसको, ओके सी यहाँ पर आए, देखो क्वेरी आ रही है, क्वेरी आ चुकी है। मुझे क्या करना है, इस क्वेरी के हिसाब से डेटा को फाइंड करना है। तो चलते हैं, आते हैं यहाँ पर, क्लोज उधर करते हैं, बिकॉज सारा काम हो चुका है। तो अब क्या मेन काम है बस हमारा, थोड़ा बहुत ऐप के अंदर आएंगे, एपी के अंदर आएंगे सर्च के लिए, जिसमें क्या होगा, पेज डॉट जेएसएक्स, नॉट पेज, इसमें वो राउट, बिकॉज हम इस राउट करने वाले, और इसके अंदर डेटा होगा जो आपका प्रोडक्ट जैसा होगा, जिसमें प्रोडक्ट में लिखा था हमने, वही सेम ले लेंगे, बिकॉज इसमें भी हम फाइंड करने वाले हैं। सो कॉपी किया इसमें, और ये भी गेट रिक्वेस्ट ही होगा। ओके, प्रोडक्ट के अंदर लग दिया हुआ, कोई नहीं, इसको लेते हैं हम यहाँ पे, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या का नाम है, ये डेटा आएगा। अब डेटा किसमें लेते हैं हम, एक मानते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसमें वो डेटा भेज रहा है। ठीक है, अब पोस्ट रिक्वेस्ट कब करेगा, जब इस फॉर्म पर हिट कर रहा है वो। जैसे मैंने हिट किया तो क्या किया, मैंने एंटर दबाया, इससे क्या हुआ, इसमें गया और यहाँ पर चेंजेस हुए। तो मुझे करना है गेट रिक्वेस्ट देखना है। सो परम्स, परम्स नहीं आएगा इसमें, सिंपल आएगा, तो इसको रिमूव करते हैं, बिकॉज परम्स का कोई काम नहीं है। अब ये आ गया आपका रिक्वेस्ट, जिसमें क्या आया, स्लग चेक किया, स्लग कहाँ से आएगा आपका, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से, रिक्वेस्ट डॉट जेसन में से। तो मैं बोला कौन स्लग, विच इज रिक्वेस्ट डॉट जेसन में से, और ये अवेट कर लेंगे। और एक किस टाइप का आएगा, एक स्ट्रिंग टाइप का आएगा, बट एक ऑब्जेक्ट टाइप में आएगा, एक स्ट्रिंग टाइप का आएगा स्लग। सबसे पहले हमें आना पड़ेगा, इसका एक रेगेक्स क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम फाइंड कर पाएंगे उसको। तो कॉस रेगेक्स एक्सप्रेशन, विच इज न्यू, एक रेगेक्स क्लास होती है, इनबिल्ट होती है आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर हम देखें क्या होती है कि नहीं होती है। सो मैं सर्च करूंगा गूगल पे, रेगेक्स क्लास इन जेएस, इनबिल्ट होती है वैसे, तो होने दो ही होती है, रेग एक्सप्रेशन। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पर क्या पास करना है मुझे, एक ये पास करना है स्लग, इसके बाद आई, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पर क्या हुआ, फाइंड, बस सबको फाइंड कर दो जितने प्रोडक्ट्स हैं। अब इसके अंदर तुम फाइंड तो करना चाहते हो किसके बेस पे, तो मैंने बोला और क्या एक ऑपरेटर है, तो डॉलर लगा दिया यहाँ पर, एक एरे दिया। अब एरे के अंदर आपको बताना है कौन कौन सी फील्ड के बेस पर तुम फाइंड करना चाहते हो। तो पहले तो मुझे इसको प्रोडक्ट मॉडल करना है, आते हैं फाइंड के अंदर, सॉरी प्रोडक्ट मॉडल के अंदर, कि इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है जिनकी मदद से हम चेक करते हैं कि इसके अंदर ये हो सकता है। सबसे पहला इमेज, नॉट इमेज, नेम। तो नेम पे आते हैं, अगर नेम इसके बराबर होता है, इसके रेगुलर एक्सप्रेशन के, ये लिया, एक होता है रेगेक्स, यही होता है इनबिल्ट, देखते हैं एक बार, चेक करते हैं, मोंगूस रेगेक्स या डॉलर रेगेक्स, कॉपी करते हैं इसको, यहाँ पे पेस्ट किया,
ठीक है, किसके बराबर, इसके बराबर। देन ये सेम फॉर दो तीन कॉपी कर लेंगे, और कॉपी किया मैंने इसको, ये डाला, किसके लिए डालना है। अब डालते हैं स्लग के लिए लेते हैं, अगर स्लग भी अगर इसके बराबर होता है तब भी सेम काम करेगा। सेम कॉपी किया, किसके लिए करना है मेरे को, तो सेम काम करते हैं प्राइस के लिए, प्राइस के लिए देख लेते हैं। सो प्राइस यहाँ पर आते हैं और चेक करते हैं किसके लिए, अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन एंड बस यही, इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। सो ये कॉपी किया मैंने इसको, सेम पेस्ट किया किसके, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के लिए। सो कॉपी एंड पेस्ट, ये हो गया आपका सर्च फंक्शनलिटी। तो लिखते हैं प्रोडक्ट्स, अभी क्या होगा, एरे होगा, तो इसको हम सिंपल रिटर्न करते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या होगा, ये हो जाएगा जिसमें प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट्स यानी कि थर्ड थिंग और इसकी लेंथ, बस ये काम हो चुका है। जिसमें क्या होगा, प्रोडक्ट्स सिंपल होगा, तो इसको रिमूव कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। सो लेट टेस्ट, ये काम करता भी है या नहीं करता है। और ये क्या होगा, एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, प्रोवाइडर के अंदर आएंगे, रिडक्स के अंदर आएंगे, क्वेरी के अंदर आएंगे, पब्लिक क्वेरी के अंदर, इसके अंदर कहना है सर्च फंक्शनलिटी। तो बहुत सिंपल है, तो कॉपी करो इसको और पेस्ट कर दो। यहाँ पर क्या होगा, सर्च क्वेरी, इसमें क्या होगा आपका, एक आपका म्यूटेशन होगा, बिकॉज में आप हिट करोगे रिक्वेस्ट को, जब जरूरत पड़ेगी तभी रिक्वेस्ट हिट करनी है, उससे पहले नहीं करना है इसका काम, ये मैं भी बोल रहा है इससे। जिसमें क्या होगा, पब्लिक तो होगा, पब्लिक के अंदर क्या है हमारा, सो पब्लिक के अंदर सर्च, SERCH, तो सिंपल लिखना है पब्लिक सर्च। इसके अंदर क्या होगा, पोस्ट रिक्वेस्ट होगा और एक बॉडी होगा, किस टाइप का, ओबीजे। ओबीजे के अंदर क्या होगा आपका, एक स्लग होगा कुछ इस तरीके से, सही लिख दिया हमने। स्लग कहाँ से आएगा, स्लग आएगा आपका यहाँ से, ये ले लिया आपने यहाँ से, ये अपना काम करता रहेगा। अब इसको टेस्ट करते हैं, तो आते हैं यहाँ पर, लिखा हमने यूज सर्च क्वेरी, कॉपी करते हैं इसको और चलते हैं सर्च के अंदर। तो आते हैं कॉलम्स के यहाँ पर, आते हैं ऐप के अंदर, ऐप के अंदर सर्च, सर्च के अंदर पेज डॉट जीएसएक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नाम चेंज करेंगे, विच इज सर्च पेज, सर्च पेज। और इसमें क्या करना है हमें, सिंपल सा एक लेना है इसको, विच इज दैट कॉन्स्ट लिया हमने, और एक एरे डिस्ट्रक्चर किया, किस में से किया हमने, यूज सर्च क्वेरी में से। और ये म्यूटेशन है, तो मतलब एक फंक्शन रिटर्न करेगा, एक रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा। तो हमने बोल दिया क्या, एक सर्च क्वेरी, एक कर दिया उसने क्या, फंक्शन, तो सर्च क्वेरी फंक्शन। सो ये हो चुका है, कॉपी करते हैं इसको। आप यहाँ पर आते हैं, इफ इसका इज लोडिंग अगर ट्रू होता है, तो उस केस में अगर रिटर्न कर दो लोडिंग डिव को, जिसके अंदर क्या करेंगे हम, बोल देंगे क्या कि भाई इसको कॉल कराना है किसको, एक फंक्शन को, तो फंक्शन एक क्रिएट करेंगे। तो लिखा हमने कॉन्स सर्च हैंडलर, जो एसिंक होगा क्योंकि एपीआई कॉल करेगा, और ट्राई कैच, अगर कोई भी दिक्कत आता है किसी भी प्रकार का, तो हम ट्राई कैच लगा देंगे, जिससे क्या हुआ हमारा एरर हैंडल हो जाएगा। सो हमने बोल दिया क्या, टोस्ट, टोस्ट ले लेंगे रिएक्ट टोस्टिफाई में से, डॉट्स एरर, वो क्या हुआ, एरर डॉट मैसेज। और वही सेम काम, कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू दैट थिंग, सर्च क्वेरी, जिसके अंदर पास कर दिया क्या हमने, अगर पहले चेक कर लेंगे, अगर मान लो ये हमारा ये है, विच इज प्रॉप्स डॉट सर्च परम्स डॉट क्वेरी, अगर हमारा एम्प्टी होता है, अगर ये एम्प्टी है, तो उस केस में क्या करो, इसको रिटर्न कर दो क्या, नल, मतलब कुछ भी मत करो, रिक्वेस्ट मत करो, जरूरत नहीं है रिक्वेस्ट करने की। अगर मान लो वो होता है कुछ डेटा उसके अंदर, तो क्या करो उस केस में, नॉट अप मान लो इसको, या फिर बस यही, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको अवेट कर लेंगे, यहां से मिलेगा डेटा और एक मिलेगा एरर। अगर एरर आता है, इफ एरर, तो क्या करो, टोस्ट डॉट एरर, विच इज एरर डॉट डेटा डॉट एरर। इसके बाद टोस्ट डॉट सक्सेस, विच इज टोस्ट डॉट, टोस्ट डॉट सक्सेस, उसके बाद लिखना है आपको डेटा डॉट मैसेज, इस तरीके से। और डेटा क्या आएगा, अगर हम चेक करें डेटा के अंदर आएगा प्रोडक्ट फेच, जो कि इतना सारा था, इस तरीके से। इसके बाद प्रोडक्ट्स, यहाँ पर देखो तो आपको मिल रहा है क्या, सर्च क्वेरी के अंदर आपको मिल रहा है डेटा, तो इसको क्या करेंगे, लॉक करा लेंगे। सो करते हैं कंसोल डॉट लॉक, डेटा वो कहाँ से आएगा आपका, ये आपका था विच इज सर्च क्वेरी के अंदर, सर्च क्वेरी रिजल्ट के अंदर डेटा, इस तरीके से। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये जब जब कॉल करना है, जब आपका प्रॉप्स डॉट सर्च परम्स के अंदर कोई भी हलचल होती है, मतलब ये चेंजेस होते हैं,
तब इसको कॉल कराओ अगेन, और यहाँ पर अपडेट हो गया, कॉपी कर लिया इसको हमने, पेस्ट कर दिया एंड सी रिजल्ट क्या मिलता है, सेव करते हैं। यहाँ पर आते हैं और बस यहाँ पर लेंगे पी टेस्ट, जिसके चेक कर लेंगे जो डेटा आ रहा है वो हमारा किस फॉर्म में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो यार हमें मार्क करना पड़ेगा ऐसा यूज ग्रैंड, तब ये काम करेगा। सो मैंने मार्क कर दिया इसको, अब देखते हैं कि क्या एरर दे रहे हो, क्या हमें कुछ बोलते हो कि नहीं बोलते हो, कुछ है कि नहीं तुम्हारे पास, सेशन लोडिंग किया अभी तो। सो गाइस सबसे पहले काम करना है जो आपको प्राइस था उसको रिमूव करना है, बिकॉज वो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, बिकॉज वो नंबर है और आप सर्च कर रहे हो स्ट्रिंग को तो वो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसी के साथ आपको करना है जहाँ पर आना है पेज डॉट जेएसएक्स में, और यहाँ पर हमने प्रिंट किया इसको, तो यहाँ पर इसको प्रिंट करना है एज अ जेएसएक्स डॉट स्ट्रिंगिफाई, तब ये काम कर रहा है, उससे पहले तो ये काम भी नहीं कर रहा है। तो मैंने कर दिया इसको कंट्रोल एक्स, यहाँ पे बोला जेएसएक्स डॉट स्ट्रिंगिफाई, तभी मालूम पड़ेगा रिजल्ट क्या आ रहा है और सी क्या मिलता है हमें। सो गाइस देखो मेरा काम कर रहा है, इसके अंदर मैं डेटा फेच कर पा रहा हूँ, मैं लिखा गुच्ची तो गुच्ची आ रहा है, अगर मैंने लिखता हूँ कोई और डेटा जैसे कि मेरे पास कौन कौन सा मुझे ये नहीं पता, सो मैं आऊंगा डेटाबेस के अंदर चेक करूंगा कि मेरे पास किस किस तरीके का डेटा एग्जिस्ट है, जैसे कि कहाँ मिलेगा मुझे प्रोडक्ट के अंदर। सो मैं क्या व्यू डॉक्यूमेंट जिसके अंदर है मेरे पास डीडीए एंड पता नहीं किस किस नाम से रख रखे मैंने, कोई नहीं मैं बाद देख लूंगा उसको। सबसे पहले आते हैं, एक था गुची और एक है हमारे पास जीबी नाम से, जीबी है या फिर अगर हम सर्च करें जो वाला गुची वाला था, इसके अंदर हमारे पास है लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है क्या। सो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन कहाँ है, ये वाला, इसके हिसाब से कि ये किस निकालता है, एंटर किया देखो ये निकाल रहा है गुची का, और ये डेटा पूरा एक एरे में आ रहा है, मतलब ये मल्टीपल आइटम भी हो सकते हैं, एक आइटम भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। सो लेट्स चेक, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे। अब इटरेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, कैसे कराना है इसको करेंगे थोड़ा बहुत कॉपीज, कहाँ से करेंगे प्रोडक्ट्स में से। सो इसको किया क्लोज अदर, इसको क्लोज किया, आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, विच इज प्रोडक्ट, इसके अंदर करेंगे पेज डॉट जे एस एक्स में, यहाँ से पहले लेंगे कार्ड, कॉपी किया यहाँ से इसको, यहाँ पर आते हैं कार्ड रख दिया हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जिसमें क्या एक कार्ड हैंडलर क्रिएट कर लिया, हैंडलर नहीं कह सकते इसको तुम, एक कंपोनेंट क्रिएट करोगे, कंपोनेंट कहोगे सॉरी कर लोगे, विच इज दैट, कॉपी किया इसको, पेस्ट करते हैं यहाँ पर, इसको रिमूव करते हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। अब इसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले सर्च करोगे कि देखो ये होना चाहिए, इसके अंदर तुम्हारे पास डेटा होना चाहिए, और इसके बाद डेटा के अंदर एक की होती है विच इज प्रोडक्ट्स नाम से, तो ये तुमने किया पेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर ये ऑटोमेटिक काम करेगा, अब देखते हैं काम करता है या फिर नहीं करता है। सो मैंने किया इसको रिफ्रेश एक बार, सो गाइस डेटा आ चुका है, बट ये क्या आ रहा है थोड़ा फैल क्या आ रहा है, अभी फैल क्या आ रहा है उसको देख लेंगे, बट अभी डेटा आ रहा है हमारा, तो मतलब हमारा कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये कैसे आ रहा है फैल के, भाई अब बताओ हमें, तो ये आ रहा है प्रोडक्ट के अंदर। सो लेआउट था, लेआउट के अंदर चेंजेस किए थे हमने ये वाले, कॉपी करते हैं इसको और इसके अंदर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट किया, जहाँ पर डिव कितने हमारे पास, दो डिव है, एक हमारे पास सेक्शन है, सो डिव कॉपी, और यहाँ पे कह सेक्शन आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा काम खत्म। सो लेट्स चेक अगेन, अब कैसा लग रहा है। सो यार सही लग रहा है अभी तो, अगर एक दिया मैंने डी कुछ भी, सो एंटर किया मैंने, तो अभी भी डेटा एक आ रहा है, एंटर करता हूँ दो आ रहे हैं, तो यार हमारा सक्सेसफुली काम कर रहा है, ठीक है। और बस यही चाहिए था हमें, एक कैटेगरी लेते हैं, एक कैटेगरी किस कैटेगरी का है, तो उसके लिए क्या करेंगे स्पैन लगाएंगे, स्पैन ले लो या फिर एक पी टैग ले लो, जिसमें क्या होगा एक अपर केस होगा, और अगर हम चेक करें क्या हमारे पास कैटेगरी आ रहा है, सो कैसे चेक करेंगे इसको, तो एक काम करेंगे जो हमारा ये आ रहा है विच इज दैट, इसके अंदर लॉक कराते हैं कंसोल डॉट लॉक विच इज करंट को, करंट के अंदर क्या क्या आ रहा है, और यहां पर क्या करेंगे हम लेते हैं कैटेगरी, सेव किया मैंने, नेटवर्क में आते हैं, नो नेटवर्क कंसोल के अंदर आना, सो देखो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, अभी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, तो कर में आते हैं, कर के अंदर क्या मिलेगा, ओके सो हमें कैटेगरी नहीं मिल रहा है, तो हमें कैटेगरी लाना पड़ेगा, कहाँ से लाना पड़ेगा, राउट में से। सो आते हैं भाई राउट के पास, पब्लिक सर्च राउट के अंदर, यहाँ पर क्या मिलना है हमें, फाइंड तो कर रहे हैं बट हम कैटेगरी फाइंड नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे प्रोडक्ट पे आएंगे दोबारा राउट डॉट टी एस में, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं देखो कैटेगरी ले रहे हैं, नेम आईडी कॉपी के यहाँ से पेस्ट करते हैं, ओके इन सबको लेते हैं बिकॉज इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, कॉपी के यहाँ से हमने सर्च में आते हैं, और यहाँ पर नहीं यहाँ पर आना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं,
पॉपुलेट किया कैटेगरी को, नेम इमेज ये चाहिए बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमें, और बस आईडी आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अब कैटेगरी डॉट आएगा मतलब कि हमें यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ बोलना पड़ेगा क्या कैटेगरी, जो क्या होगा कर डॉट कैटेगरी, स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, कॉपी करूंगा ऐसे दोबारा, कॉपी किया ऐसे कर डॉट कैटेगरी डॉट नेम, और यहाँ पर लेते हैं कॉपी, यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट कि किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये हमने ले लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, दैट्स इट। एंड सी अगेन, तो मैं करूंगा इसको रिफ्रेश एक बार अच्छी तरीके से, एंड सी देखो प्रोडक्ट फैच हो चुके हैं, और देखो यहाँ पर टी शर्ट आ चुका है, एक कोडी जा चुका है, और ये डी की क्वेरी आ रही है तो इस वजह से आ रहा है। ओके कुल, तो ये हमारा काम कर रहा है। अगर टी शर्ट पर जाएंगे तो टी शर्ट वाले पेज पर लेके जाएगा, वो डेटा फैच करेगा, तुम एड टू कार्ट कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से और अपने ऑर्डर को चेकआउट कर सकते हो। तो फुल करते हैं इसको, तो अभी आ चुका समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी क्यों आ गया, यहाँ पर डी पे हिट किया मैंने, इस पर क्लिक किया तो मुझे मिला समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी क्यों मिल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना वो नहीं मिल रही है क्या, एक आईडी नहीं मिल रही कैटेगरी की, मतलब किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है ये नहीं पता चल रहा। अगर हम टी शर्ट पे आते हैं मैनुअली और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मिलता है हमें टी शर्ट, तो मुझे इसको भी भेजना पड़ेगा। अब ये क्या स्लग है, अभी किसका स्लग है, प्रोडक्ट का स्लग है, किसका प्रोडक्ट का। सो आते हैं इसके अंदर और बोलते भाई स्लग तो है, तो एक काम करो स्लग भी है तुम्हारे पास और एक कैटेगरी होगा मे बी, सो हमने बोला कैटेगरी कुछ इस तरीके से, और ये भेज दिया हमने कैटेगरी। सो लेट टेस्ट अगेन, डी पे आते हैं, हिट किया मैंने, देखो टी शर्ट पे आ चुका है और ये काम हो चुका है। अब चलते हैं एक शॉपिंग करते हैं अपनी, एंड मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो अभी देखो मेरा कार्ट एम्प्टी था, अभी तक एम्प्टी है जब तक तो लोडिंग चल रहा है, अब देखते हैं जब लोडिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ऐड टू कार्ट होता है या फिर नहीं होता है। और देखो अभी एम्प्टी आ रहा है, बट मैं अगर उसको दोबारा फैच करूंगा, सो आइटम आ चुका है, चेकआउट करते हैं इसको, चेकआउट करते हैं यहाँ पर, सब इसको मैंने चेकआउट किया, पेज पर आए और लिखते हैं एडमिन, ईमेल डाल दिया मैंने ये, और कुछ और डालता हूँ मैंने, डाल दिया वन ही ठीक है, और ये डाल दिया सिटी, डाल दिया कुछ भी, और पिन कोड लोडिंग किया, चलते हैं स्ट्रैप पे, पेमेंट करते हैं इसको फास्ट। सो ये हो चुका है, डालते हैं 1 2 3 4, नहीं 4 2 4 2, 1 2 3 4 और 1 2 3, और फुल नेम डाल दिया कृष्णा, और पे किया मैंने इसको, सी पेमेंट हो चुका है, चलते हैं सक्सेस पे। सो सक्सेस हो चुका है एंड एंड लोडिंग स्टार्ट हो चुका है, और चेक करते हैं कार्ट के अंदर अभी एग्जिस्ट आइटम, ठीक है कोई नहीं, अभी आते हैं लोडिंग होता है। सो पेमेंट हो चुका है, अब चेक करते हैं कार्ट के अंदर, क्या कार्ट के अंदर आइटम अभी भी एग्जिस्ट है या फिर गए, तो आइटम जा चुके हैं। अगर हम इसके अंदर आते हैं तो देखो अभी हमने एक आइटम ऐड किया था, वो भी क्या था, टी शर्ट था हमारा, ठीक है तो हमारे पास एक का चेकआउट होना चाहिए ओनली, उसके अलावा किसी और का तो मतलब ही नहीं बनता। सो आते हैं व्यू डॉक्यूमेंट्स किया, और मैंने बहुत सारे चेकआउट कर रखे हैं, तो इसको नीचे आते हैं थोड़ा, देखो एक प्रोडक्ट था जिसकी आईडी ये थी, क्वांटिटी ये था, ये था फाइल प्राइस था 500 रुपये, इस कंप्लीट हो चुका है, ट्रू हो चुका है, सेशन आईडी ये थी, इसको मैच कर लो और ये तुम्हारा काम हो चुका है। तो यार हमारा पूरा ये ऐप क्रिएट हो चुका है, जिसके अंदर हमें सर्च फंक्शनलिटी, ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी, पेमेंट गेटवे, प्रोडक्ट्स कैटेगरी से सारा काम हमने कर लिया है, जिसके अंदर कैटेगरी जो हमें डायनेमिक है, मतलब जो कैटेगरी हमारे एड में यानी बैकएंड में सेव होंगी, ओनली वही कैटेगरी प्रोडक्ट हमारे पास शो होंगे, जैसे मग्स हुआ, स्टिकर्स हुआ, ये सब हमारे एडमिन से आ रहा है। तो तुम इसको और अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, जिसके अंदर सारी फंक्शनलिटी देख ली है। सो गाइस इस वीडियो को इतना रखते गाइस, एंड गाइस बताना चाहूंगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दोस्तों यार शेयर कर दो, एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, आई आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।